आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर टोटल यूटिलिटी फंक्शन दी हुई है तो हम उससे मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे निकालेंगे। सपोज दैट ये टोटल यूटिलिटी का फंक्शन दे रखा है यू इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो होगा वो डी यू अपान में डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट एक्स का हम अगर कंजप्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आई। तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल डी यू अपान में डी एक्स हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे वाई वाला टर्म आपका कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि हमें एक्स गुड एक्स के वजह से यूटिलिटी में जो चेंज आया है उसको हमें देखना है। तो इस केस में यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इंटू वाई क्यूब कांस्टेंट की तरह रहेगा। फिर उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अगर वाई अब हम निकाल रहे हैं तो उस केस में एक्स का जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम गुड वाई के लिए मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं। तो टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ गुड एक्स के वजह से तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई हो गई कि हमने एक एडिशनल यूनिट जैसे ही वाई का कंजम्प्ट किया तो उससे हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आई, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी वाई इक्वल डी यू अपान में डी वाई हुआ है। तो इस केस में आपका इसका आप डेरिवेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट बना रहेगा और इसका हम कर देंगे यानी एक्स स्क्वायर इंटू थ्री वाई स्क्वायर। आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स अगर एक्स पावर एन दे रखा है तो इसका हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन, यहाँ से ये आया है। अगर हम इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई फाइंड आउट करें तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपान में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू पुट अप कर देंगे 2x इंटू वाई क्यूब अपान में 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे डबल वाई से डबल वाई कैंसिल हो गया, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई आया वो आया आपका 2/3 इंटू वाई बाई एक्स आ गया, ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज दैट यू इक्वल यूटिलिटी का फंक्शन यू इक्वल अगर दे रखा हो -x^-1 -y^-1, उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो होगा वो इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो ये वाला टर्म आपका कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेशन तो जीरो हो जाएगा, बट इसका हम करेंगे तो यहाँ पे माइनस है और जैसे ही एन एक्स इधर आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा यानी ये एक्स पावर और ये -2 हो जाएगा क्योंकि आप -1 और -1 करेंगे तो ये आपका टर्म x^-2 हो जाएगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का x^-2 आ गया। ठीक उसी तरह अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई करेंगे तो उस केस में ये जो टर्म है गुड एक्स वो आपकी कांस्टेंट है तो इसका तो डेरिवेशन आपका, क्योंकि हम गुड वाई का चेक कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो इस केस में जो गुड एक्स है वो कांस्टेंट है तो इसका तो डेरिवेशन आप करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो ठीक इसी तरह ये वाई का पावर -2 हो जाएगा। तो उस केस में उस केस में अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स टू वाई के लिए तो यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपान में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई हो जाएगा यानी इक्वल एक्स के पावर -2 अपान में वाई पावर -2, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इक्वल, इसको चेंज कर देंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल आप लिख सकते हैं वाई बाई एक्स का स्क्वायर। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं,
अगर टोटल यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है 2 log एक्स, ये नेचुरल लॉग है, प्लस लॉग वाई, हम इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 हो जाएगा, और लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स जो होता है वो 1/x होता है, प्लस ये इसका ये 0 हो जाएगा टर्म, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो 2/x हो जाएगी, राइट। अब उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई का निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई का जो निकालेंगे, तो ये वाला टर्म तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका हम निकालेंगे, तो आपका लॉग वाई का जो है वाई के रिस्पेक्ट में 1/y हो जाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपान में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल 2/x अपान में 1/y इक्वल आपका हो जाएगा 2y/x। एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर टोटल यूटिलिटी फंक्शन u इक्वल दे रखा है 0.5x प्लस 2y, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म का dy/dx आपका dy/dy जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y को चेक करना है, तो यहाँ से आपका केवल 2 हो जाएगा। तब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई जो है वो आपका हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपान में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी इस केस में 0.5/2, यानी आपका हो जाएगा 0.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपान में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये कहाँ से आया है ज़रा इसको हम देख लेते हैं। सपोज दैट गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो ये बताती है कि हमने गुड एक्स में अगर चेंजिंग किया तो उसके वजह से हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आई। हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब है कि हमने गुड एक्स को डी पार्ट चेंज किया तो उसके वजह से हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आई, यानी यहाँ से ये हो जाएगा डी यू इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इक्वेशन 1 आप मान लीजिए। ठीक उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई का चेक करेंगे, तो हमने गुड वाई में एक यूनिट चेंज की तो उसके वजह से हमारी जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आई वो उसको बताता है, यानी डी यू बाई डी वाई। इस केस में यहाँ से डी यू इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन सेम है क्योंकि डी यू ने बनाए रखने के लिए हम रिसोर्सेज का कितना एलोकेशन कर पा रहे हैं, यानी हम अगर चेंज कर रहे हैं तो भी हमारी यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगी, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये बताता है कि हम एलोकेशन कैसे करेंगे दोनों गुड्स का ताकि हमारी यूटिलिटी सेम बनी रहे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल हुई होगी। इक्वल डी यू रखेंगे आप तो ये वाला टर्म दोनों तरफ आप रख लेंगे, तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वाई इंटू डी वाई, यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपान में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। और आप जानते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स टू वाई के लिए
डी वाई बाई डी एक्स होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटिट्यूशन का मतलब है कि आपने गुड एक्स पाने के लिए वाई की कि हम एलोकेशन कैसे करेंगे दोनों गुड्स का, ताकि हमारी यूटिलिटी सेम बनी रहे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल हुई होगी।